हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम सिंघानिया एंड आई एम योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर वन पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा एंड अब क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपनी एडमिशन नोटिफिकेशन निकालनी शुरू कर दी है तो आपने एमफिल और पीएचडी के लिए भी अप्लाई करना शुरू कर दिया होगा। एक इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि सर अगर हमने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो हमें कितनी फेलोशिप मिलेगी, इसके बारे में प्लीज हमें जानकारी दे दीजिए। बिकॉज हमें बहुत सारे अपने एक्सपेंडिचर होते हैं, चाहे वो रहने का खर्चा हो, खाने पीने का खर्चा हो या फिर अदर रिसर्च रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो जिन्हें मैनेज करना होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी सिटी में एमफिल या पीएचडी में इनरोल करा लेते हैं तो आपको पर मंथ कितनी फेलोशिप मिलेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये टोटल अमाउंट है जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो आपको यूजीसी की तरफ से मिलता है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है जो फेलोशिप का पार्ट है एंड जो सेकेंड पार्ट है दैट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ HRA, that is house rent allowance। तो इसका मतलब ये है क्योंकि आपको रहते टाइम किसी भी सिटी में अगर आप रहते हैं तो वहां पे रेंट का खर्चा आपको सबसे ज्यादा एक मेजर कॉम्पोनेंट हो जाता है आपके एक्सपेंडिचर का। तो यूजीसी आपको HRA के लिए एक अलाउंस देती है ताकि आप इन एक्सपेंडिचर को मैनेज कर सकें। बट ये जो अमाउंट है ये सिटी टू सिटी, अलग अलग सिटीज में अलग अलग परसेंटेज के बेसिस पे दिया जाता है, जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि एक फेलोशिप का अमाउंट क्या है। तो इन रिस्पेक्टिव कि आप किसी भी सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहे हैं, जो फेलोशिप अमाउंट है दैट रिमेंस कांस्टेंट एंड द अमाउंट इज 31,000 पर मंथ। तो इसका मतलब जो आपको फेलोशिप का अमाउंट मिल जाएगा दैट वुड बी 31,000 जो आपको पर मंथ मिलेगा। ये आपको उस दिन से मिलेगा जिस दिन आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। मतलब अगर आपकी एडमिशन की डेट 1 जनवरी 2021 है तो उस दिन से आपका फेलोशिप एक्रू होना शुरू हो जाएगा। यह हो सकता है कि आपको 3 महीने 6 महीने या कई बार 9 महीने बाद भी फेलोशिप मिले, बट आपको मिलेगी 1 जनवरी 2021 से ही, जो आपकी एडमिशन डेट है फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इन एमफिल और पीएचडी। अब बात करते हैं एचआरए कंपोनेंट के बारे में, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। तो अगर आप ऐसी सिटीज के अंदर हैं जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है, फॉर इंस्टेंस दिल्ली की बात करें, कैलकटा की बात करें, मुंबई की बात करें, तो यहां पे जो आपको एचआरए का कंपोनेंट मिलता है दैट इज 24% ऑफ योर फेलोशिप। मतलब 24% ऑफ 31,000 आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो दैट वुड कम आउट टू बी 7,440। मतलब टोटल जो आपकी फेलोशिप हो जाएगी दैट वुड बी 31,000 प्लस 7,450, दैट कम्स आउट टू बी 38,440। तो ये आपकी फेलोशिप मिल जाएगी अगर आप ऐसी सिटीज में पीएचडी कर रहे हैं जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है। इन्हें एक्स कैटेगरी में डाला जाता है या फिर एक्स कैटेगरी सिटीज भी कहा जाता है। अगर मैं वाई कैटेगरी सिटीज के बारे में बात करूं तो ये वो सिटीज हैं जहां की पॉपुलेशन 5 लाख से लेके 50 लाख के बीच में वेरी करती है। तो इन जगहों पे जो आपको एचआरए का कंपोनेंट मिलता है दैट इज 16% पर मंथ। दैट मींस 31,000 का 16% आप कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को क्लब कर लेंगे एंड ये आपकी फेलोशिप हो जाएगी फॉर पर मंथ। थर्ड कैटेगरी है जेड कैटेगरी ऑफ सिटीज, मतलब वो सिटीज जहां पे जो पॉपुलेशन है इज लेस देन 5 लाख। तो अगर आपकी आप उस सिटी में पीएचडी कर रहे हैं जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से कम है तो आपको एचआरए का जो कंपोनेंट मिलेगा दैट वुड बी 8% ऑफ फेलोशिप। दैट मींस 31,000 का आप 8% कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल क्लब बोथ ऑफ दीज अमाउंट एंड दैट वुड बी योर फेलोशिप फॉर योर पीएचडी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पता करने में इनरोल करने से पहले कि क्या आपकी फेलोशिप आपको मिलने वाली है पर मंथ। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं जेआरएफ फेलोशिप से रिलेटेड या फिर कोई और भी डाउट्स हैं पीएचडी से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड अप्लाई करना ना भूलें, बिकॉज आपको पता भी नहीं चलेगा बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रही हैं एंड आप पीएचडी का फॉर्म फिल करने ना भूलें। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको लगता है आपने कुछ भी नया सीखा इस वीडियो में तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।